नमस्कार, आप देख न्यूज और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए किस तरीके से ट्रेन जो है धू धू कर जल रहा है। लगातार कल से जो है विरोध हो रहा है, नौजवान जो है वो लगातार कल से विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ को लेकर जो है लगातार जो है युवाओं में जो है आक्रोश है। जगह जगह पर जो है किस तरीके से देखिए युवाओं में आक्रोश है, किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर देखिए किस तरीके से रेलगाड़ी को निशाना युवा बना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे गोविंद परा जी? लगातार सेना में जो नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर के विरोध थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह से ही कई जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अग्निपथ योजनाओं को लेकर के विरोध जो है वो तीसरा दिन भी लगातार जारी रहा। और अभी जो है लखीसराय जिले के क्यूल मोकामा रेलखंड के लखीसराय स्टेशन में ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। दो तीन दिनों से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के तमाम जगहों पर ये प्रदर्शन जारी है। गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में भी लगातार गांधी मैदान को खाली करवा दिया है, किन्हीं को वहां पर बैठने नहीं दिया रहा है। पूरे शहर में चाक चौबंद लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और पूरे देश भर में युवाओं का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और आप भी देख सकते हैं हाजीपुर स्टेशन पर बात करें तो हाजीपुर स्टेशन पर भी देखने को मिला, यहाँ पर ट्रेन परिसर में भारी स्टेशन परिसर में लगातार तोड़फोड़ वहां पर की गई। मौके पर डीएम एसपी सहित पुलिसकर्मी प्रशासन मौजूद। देखिए जानकारी मिल रही है कि पुलिस पर भी हमला किया का नुकसान कर रहे हैं। बीते दिनों भी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध किया जा रहा था। इस बीच केंद्र सरकार ने भी एक नियम कर दिया है कि केंद्र सरकार ने 21 साल से उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। हालांकि यह सिर्फ एक साल के लिए होगा, लेकिन छात्र इससे भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। छात्रों की मांग है सेना में भर्ती की पुरानी तरीका ही अपनाया जाए, जो पुराना तरीका था वही अपनाया जाए। तो इसको लेकर देखिए किस तरीके से स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, ट्रेन के देखिए तमाम खिड़कियों के शीशे कांच को जो है उसको तोड़ दिया गया है और किस तरीके से पत्थरबाजी वहां पर की गई है वो भी आप देखिए कि सरकारी स्टेशन दिया है, देख लीजिए स्टेशन पर हो या फिर पुलिस स्टेशन पर हो, लगातार अब जो अब नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो खबर गया जिले से भी आ रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर तीसरे दिन गया जंक्शन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, लगातार हर जगह छात्र उग्र हो गए हैं और ये चार साल वाली तो नौकरी वाला ये योजना है, इससे कभी काफी वो नाराज दिख रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है, लगातार इतना विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार क्या कदम उठाती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है छात्रों का गुस्सा कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और वही तमाम चीजें हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि हर स्टेशन, हर सरकारी कार्यालय हो या फिर भाजपा का कार्यालय हो, इन तमाम जगहों पर छात्र जो है लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसा करके इनकी मांगे समर्थन करेगी सरकार? तरीका गलत है, तरीका इनका गलत है। क्या कुछ नुकसान पहुंचाया है यहाँ सरकारी संपत्ति को? इंजन का सब शीशा सब फोड़ दिया, तो पीछे शीशा पूरा बोगी का फोड़ दिया। कौन सी गाड़ी है ये? विक्रमशिला। विक्रमशिला को डाउन विक्रमशिला जी। सर लोग बहुत बचाने, आइए यात्रियों से मिलते हैं जिन्हें दिक्कत हुई। जी बताएं, क्या नाम? चरणजीत सिंह। कहां से कहां सफर कर रहे थे? दिल्ली से जमालपुर। दिल्ली से जमालपुर, क्या कुछ दिक्कत आई? गाड़ी में पूरी तोड़फोड़ हुई। यात्रियों के साथ भी बदसलूकी करी क्या? नहीं, बदसलूकी नहीं किया। छीना झपटी वगैरह कुछ नहीं ना? मतलब किसी तरह नुकसान नहीं पहुँचाया, मगर यात्रियों को ट्रेन खाली करा के ट्रेन को क्षतिग्रस्त किया। क्या लगता है आपको ऐसा करके युवा अपना मांग पूरा कर पाएंगे? क्या पता, क्या ऐसे युवा जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं सरकारी संपत्ति के साथ, लगता है कि ऐसे देश के रक्षक हो पाएंगे ये? क्या पता क्या कह सकता। तो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए फिर से दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रेन देखिए किस तरीके से जल रहा है, पूरे ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो ये छात्र जब उग्र होते हैं तो देखिए क्या अंजाम होता है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। अभी देखिए पूरा का पूरा ट्रेन को छात्रों ने जला दिया है। तो अग्निपथ
इस स्कीम को लेकर के लगातार देखिए अग्निपथ योजना में जो है छात्र जो है अग्नि से किस तरीके से खेल रहे हैं, सरकारी संपत्ति को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। विरोध अपनी जगह पर है, विरोध करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को छात्र नुकसान पहुंचा रहे हैं ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देखिए कि जिस तरीके से आप विरोध करते हैं, विरोध करना आपका अधिकार है, विरोध करना आपत्ति है, लेकिन इस तरीके से अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम लोग भी उस चीज का टैक्स भरते हैं, वो हमारी संपत्ति है। चीज को समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ी भूल है। और देखिए लगातार हम दिखा रहे थे पुलिसकर्मी के हाथ में चोटें आई है, किस तरीके से पुलिसकर्मी को चोटें आई है, और ये बड़ी बात है कि अभी भी छात्र समझ में तैयार है। देखिए लगातार रेलवे स्टेशन पर जो है पुलिस बल जो है तैनात है, सुरक्षा कर जहां पर अगजनी नहीं हुआ है वहां पर लगातार जो है पुलिस बल तैनात है, लोगों को रेलवे स्टेशन से बाहर कर रहे हैं, छात्रों को रेलवे स्टेशन से बाहर कर रहे हैं। ये नजारा आप देख रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, और बिहार में कुछ ज्यादा ही छात्र उग्र हुए हैं। देखिए देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, ये एसी ट्रेन के डब्बे हैं और डब्बों का ये हाल देखिए कि क्या कुछ हुआ है गोविंद, और क्या कहेंगे इस नुकसान को देख कर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से छात्र जो है उग्र क्यों हो रहे हैं। जी इसी बीच ऐसा भी कोई अप्रिय घटना हो सकता है छात्रों के साथ हो सकता है, जिसके बाद आंदोलन और उग्र हो जाएगा। छात्रों को भी समझना चाहिए कि अगर हम अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं, अगर हमें इस चीज से विरोध है तो झुका उनको नीचे करने के लिए सरकार को, अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन वापस हो जाए तो उसके लिए और भी कई तरह के प्रदर्शन है, लेकिन इस तरीके से आप कर कर नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। आम आदमी समझिए कि ट्रेन में जो लोग वहां पर मौजूद होंगे उसका क्या हाल होता होगा, जिस समय ट्रेन में पत्थरबाजी की जा रही होगी, ट्रेन को आग लगा दिया जा रहा होगा, तो इन तमाम चीजों से लेकर के लोगों को भी परेशानी हो रही है। आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी साथ दे तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से बात विचार करके भी काम होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आगे की कदम उठानी चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए पुलिस पर पथराव हो रहा है, तमाम चीजें यहाँ पर देखिए किसी पूरे ट्रेन को आग लगा दिया गया है, और ये चीज हर जगह पे हो रही है, ये सिर्फ बिहार में या फिर झारखंड में नहीं, बिहार में कुछ अधिक जरूर हो रहा है लेकिन हर जगह यहाँ पर हो रही है। अपने शहर की बात करें, गोड्डा की बात करें, गोड्डा में भी पूरा चाक चौबंद यहाँ पर लगा दिया गया है, प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है, पूरे गांधी मैदान को खाली करवा दिया गया है, कहीं भी युवाओं का जुटान यहाँ पर नहीं हो उसको लेकर के प्रशासन तत्पर है, कई लोगों को बताया जा रहा है कि थाने में भी ले जाया गया है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है क्यों हो रही है, इसका बस एक ही कारण है कि सरकार ने नई स्कीम लगाई, अग्निपथ योजना का स्कीम लगाया, इसके बाद से ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को आईएएस बनने का सपना यही होगा साकार। रांची में मिलेगा बेस्ट यूपीएससी कोचिंग, जब प्रयास करेगा आपके लिए प्रयास तो होगा आपका सपना साकार। ऑप्शनल पेपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर, टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको, सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़, हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी शिक्षा आसान। अगर देखा हो आईएएस का सपना तो प्रयास है द बेस्ट, ज्वाइन द बेस्ट यूपीएससी कोचिंग सेंटर द प्रयास। वीडियो नहीं बनाइए भैया, ट्रेन के अंदर भी चादर बिछावन जमा कर आग लगा दी गई है, आप देख सकते हैं नजारा। हाँ दादा, का जत्था वापिस लौट रहा है, जो यात्री ट्रेन में सफर करने जा रहे थे प्रोटेस्ट को देखकर वापिस लौट रहे हैं। ये लखीसराय स्टेशन का नजारा है, बच्चे सहित लोग
देख सकते हैं यात्रियों की भीड़ माहौल को भांपने में जुटी है। ये देख सकते हैं अब तक आग जल रही है। कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ स्टेशन पर ये चल रहा है इसको देखकर? छात्रों का मांग है, क्या लग रहा है ऐसा करके इनकी मांगे समर्थन करेगी सरकार? तरीका गलत है, तरीका इनका गलत है। क्या कुछ नुकसान पहुंचाया है यहाँ सरकारी संपत्ति को? इंजन का सब शीशा सब फोड़ दिया, तो पीछे शीशा पूरा बोगी का फोड़ दिया। कौन सी गाड़ी है ये? विक्रमशिला। विक्रमशिला को डाउन विक्रम जी सर लोग बहुत बचाने। आइए यात्रियों से मिलते हैं जिन्हें दिक्कत हुई। जी बताएं क्या नाम? चरणजीत सिंह। कहां से कहां सफर कर रहे थे? दिल्ली से जमालपुर। दिल्ली से जमालपुर क्या कुछ दिक्कत आई? गाड़ी में पूरी तोड़फोड़ हुई। यात्रियों के साथ भी बदसलूकी करी क्या? नहीं बदसलूकी नहीं किया। छीना झपटी वगैरह कुछ नहीं, नहीं ना? मतलब किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया मगर यात्रियों को ट्रेन खाली करा के ट्रेन को क्षतिग्रस्त किया। क्या लगता है आपको ऐसा करके युवा अपना मांग पूरा कर पाएंगे? क्या पता। क्या ऐसे युवा जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं सरकारी संपत्ति के साथ, लगता है कि ऐसे देश के रक्षक हो पाएंगे ये? क्या पता क्या कह सकता तो देखा आपने किस तरीके से लगातार उग्र प्रदर्शन वहां पर जारी है। और आपको बता दें पूरा मामला एक बार हम आपको समझा देते हैं कि क्या आखिर पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर के एक सेना में भर्ती को लेकर के सोमवार को केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती ली जाएगी। अगले 90 दिनों के भीतर करीब 46,000 भर्तियां होंगी। हालांकि युवा इस भर्ती योजना से खुश नहीं है, वो पुरानी प्रक्रिया को अपनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 4 सालों के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थाई कार्डर मिलेगा। ऐसे में छात्र पूछ रहे हैं बाकी 75% अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे। हालांकि सरकार द्वारा भत्ता दिया जाएगा, वही हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 4 साल बाद अग्निवीरों को राज्य पुलिस सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। उधर युवा लगातार विरोध जता रहे हैं, सरकारी संपत्तियों का लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, कई जगहों पर दुकानें भी लूट ली गई है। ये तमाम जानकारी है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार चालू है और अभी इस वक्त देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार विरोध वहां पर किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, लगातार हर जगहों पर विरोध लगभग जारी है। पुलिस पर भी देखिए किस तरीके से पुलिस लोग जो है वो घायल हुए हैं, वो भी आप दिखा रहे हैं लगातार स्टेशनों में। देख लीजिए किस तरीके से प्रशासन का जो है लोग वहां पर प्रशासन के लोग जो है लगातार मौजूद है, मुस्तैद है। और गाड़ियों को देख लीजिए किस तरीके ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लगातार ट्रेन पर देख सकते हैं टारगेट किया जा रहा है, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो तमाम जगहों पर से ये तस्वीरें निकल के आ रही है और तस्वीरें काफी भयावह है, क्योंकि लोगों ने छेड़छाड़ करी है। ये द्वारा छात्रों के द्वारा जो है तोड़ डाला सरकारी संपत्तियों का नुकसान लगातार किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें समस्या हो सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से लगातार वो नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण से प्रशासन भी उनको दौड़ा रही है, मारपीट करने की वहां पर बात हो रही है। लेकिन छात्र अगर थोड़ा समय देंगे तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देख लिए लगातार उग्र है छात्र, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कई जगहों पर ट्रेन को रोक भी दिया गया है। तो ये तमाम चीजें निकल के आ रही है। कई थाने की बात करें, देख लीजिए यहाँ पर थाने की तस्वीर है, यहाँ पर भी पता होगा कि आपको लग रहा होगा धमाका होगा, टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, लगातार अग्नि पथ योजना आने के बाद से छात्र उग्र हैं। अब कब तक ये शांत होता है, कब तक प्रशासन इन तमाम चीजों के ऊपर कंट्रोल पा सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज। क्या चोट वोट लगा है क्या इन लोगों को? अरे वो नहीं रहे।
योजना दिल्ली दूर जब रांची में है द प्रयास इंडिया वन ऑफ द लीडिंग यूपीएससी इंस्टीट्यूट। आईएएस बनने का सपना यही होगा साकार। रांची में मिलेगा बेस्ट यूपीएससी कोचिंग। जब प्रयास करेगा आपके लिए प्रयास तो होगा आपका सपना साकार। ऑप्शनल पेपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर, टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको। सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़, हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी शिक्षा आसान। अगर देखा हो आईएएस का सपना तो प्रयास है द बेस्ट। ज्वाइन द बेस्ट यूपीएससी कोचिंग सेंटर द प्रयास। बाथरूम केयर का लॉन्ग लास्टिंग किंग आ गया, लॉक्सिया सबको भा गया। मजबूती प्लस खूबसूरती भरे बाथरूम प्रोडक्ट्स लॉक्सिया तो छा गया। नो लीकेज नो ब्रोकेज, लॉक्सिया के प्रोडक्ट्स में नो शिकायत। नल की डिजाइन में ऑप्शन होंगे हजार, शावर और टैप्स भी होंगे आपके ग्राहक के पसंद के। तो आज ही बनिए लॉक्सिया के डिस्ट्रीब्यूटर। एजेंसी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 8521731286 पर या फिर zanisha bathcare@gmail.com पर।